वेलकम बैक टू बीना व्लॉग्स। आप सभी प्यारे व्यूअर्स का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं चना पूड़ी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। चने बनाने के लिए मैंने एक कप चने लिए हैं जो कि 240 ग्राम है। ओवरनाइट भिगो के लिए हैं, अभी धो के रखे हैं। और एक तेज पत्ता लिया है, एक टी स्पून नमक लिया है, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा लिया है। अब हम एक पैन ले लेंगे, पैन को गर्म करने रख देना है। गैस को फुल फ्लेम में ऑन करेंगे और इसमें हम ये भीगे हुए चने डाल देंगे। उसके बाद पानी डाल देना है और उसके बाद ये नमक डाल देंगे और साथ में बेकिंग सोडा और ये तेज पत्ता। चने बॉईल होने के बाद हम निकाल लेंगे। अब इसे ढक्कन लगा के आधा घंटा इसी तरह बॉईल करने के लिए रख देंगे। बेकिंग सोडा इसलिए ताकि चने अच्छी तरह से पक जाए। आइए चने जब तक पककर तैयार होते हैं, हम पूड़ी के लिए आटा तैयार कर लेते हैं। 250 ग्राम आटा लिया है मैंने, एक टीस्पून घी लिया है और एक हाफ टी स्पून नमक लिया है। घी और नमक आटे में मिला देना है। घी से आटा सॉफ्ट हो जाता है और नमक से पूड़ियों का टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। ये देखिए बहुत ही सख्त आटा मैंने तैयार कर लिया है। पूड़ी के लिए आटा एकदम सख्त होना चाहिए, जिस तरह रोटी के लिए हम नॉर्मल आटा बनाते हैं, पूड़ी के लिए आटा एकदम ये इस तरह से सख्त होना चाहिए। आटा एकदम रेडी है। अब हम इसे इस तरह से रख देंगे 10 से 15 मिनट तक। घी थोड़ा सा लगा देंगे ताकि आटा अच्छी तरह से फूक जाए। इस तरह से घी लगा देना है। आटा एकदम रेडी है, इसे ढक के रख देते हैं और चने देख लेते हैं। चने लगभग पक चुके हैं। एकदम तैयार हो चुके हैं चने। गैस को बंद करके चने 5 मिनट इसी तरह ठंडा करने के लिए रख देते हैं। आइए चना मसाला देख लेते हैं। 4 हरी मिर्च मैंने बारीक चॉप कर ली हैं, 2 हरी मिर्च इसे मैं फ्राई करूंगी, लहसुन और अदरक का पेस्ट बना लिया है, 2 बड़े टमाटो मैंने ग्रेट कर लिए हैं, 3 बड़े ऑनियन मैंने बारीक चॉप कर लिए हैं, 1 टीस्पून जीरा, हाफ टी स्पून साबुत धनिया, हाफ टी स्पून राई, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून मिक्स सब्जी मसाला, 1 टेबल स्पून छोले मसाला, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, नमक स्वाद के हिसाब से। आइए अब इसे फ्राई करते हैं। गैस को फुल फ्लेम में ऑन करना है। ऑयल अच्छी तरह गर्म करना है। ऑयल गर्म करने के बाद ही इसमें हम सारी चीजें एक एक करके फ्राई करते जाएंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, इसे हम मीडियम फ्लेम में रखेंगे। सबसे पहले हरी मिर्च फ्राई कर लेते हैं।
मिक्सर से निकाल लेंगे। सारे मसाले इसमें ऐड कर लिए हैं, इसे अब 10 मिनट के लिए इसी तरह पकने देंगे। ये देखिए बहुत अच्छी तरह चने तैयार हो चुके हैं। इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है 10 मिनट में ये काफ़ी कम हो जाएगा, इसे इसी तरह पकने के लिए रख देते हैं। इसमें काफ़ी ढक्कन लगाकर इसी तरह फुल फ्लेम में 5 से 10 मिनट तक इसी तरह रखना है। उसके बाद चने को देखना है एकदम तैयार हो गए या नहीं। आइए देख लेते हैं चने पके या नहीं। ये देखिए चने बहुत अच्छी तरह तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल पानी नहीं है अभी, इस तरह से एकदम चने रेडी हैं। इसमें हम गार्निश के लिए इस तरह से कटा हुआ धनिया ऊपर से डाल देंगे। चने को ढक्कन लगा के दूसरे गैस पर रख देते हैं। गैस को फुल फ्लेम ऑन करके इसमें कढ़ाई रख लेंगे पूड़ी के लिए। इस तरह से ये देखिए बहुत ही अच्छी पूड़ियाँ तैयार हो चुकी हैं। सारी पूड़ियों को इसी तरह से निकाल लेना है। ऑयल ज़्यादा गर्म हो गया तो थोड़ा सा इसको मीडियम फ्लेम पे रखना है। आइए चने और पूड़ियाँ तैयार हैं, देखते हैं किस तरह के बने हैं चने। ये देखिए बहुत ही गाढ़ी बनी है सब्जी इस तरह से। ये देखिए चने बहुत ही डिलीशियस, बहुत ज़बरदस्त बने हैं। आप ये रेसिपी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए, किस तरह से आप सर्व कर सकते हैं। मैंने कुछ ऑनियन काट लिए हैं, 2 हरी मिर्च मैंने ये पहले फ्राई की थी, इसे भी आप ले सकते हैं। और पूड़ियाँ बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, ठंडी होने पर ऐसे थोड़ा सा फूगी हुई कम हो जाती है और सॉफ्ट बहुत ज़्यादा बनी है। इस तरह से आप चने की सब्जी बनाइए। मैं ये बारीक चना और एक तरीके से बनाती हूँ। ये मैंने अभी
वीडियो शूट करने के लिए बनाया है या कभी भी ऐसे हमको सब्जी खानी है तो बनाते हैं। अदरवाइज अगर हमें मंदिर के लिए अगर बनाना है भोग, तो इसमें टमाटो, ऑनियन, लहसुन, अदरक कुछ भी नहीं पड़ता है, उसे एक अलग तरीके से बनाया जाता है। वो बहुत ही टेस्टी और बहुत स्वादिष्ट मतलब होता है वो चना भी। मैं वो रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी, आप ये रेसिपी एक बार ट्राई कीजिए। आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। आइए देख लेते हैं टेस्ट कैसा बना है सब्जी का। पूड़ियाँ देखिए इतनी सॉफ्ट बनी है, बहुत सॉफ्ट है पूरी। एक अंगुली से मैं इसे तोड़ रही हूँ। इस तरह से आप बना सकते हैं। बहुत टेस्टी बनी है, आप एक बार ये रेसिपी घर पे ट्राई जरूर कीजिए। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है अपना फीडबैक एक कमेंट के जरिए जरूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब व्यूअर्स का, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नई अपलोड के साथ में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।